अरे मार इसके मार, पीछे लगा मार, जा कहाँ गाड़ी मारी तेने जाके। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज जो हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सूरज की थार में बैठ के, और हम सब लोग जा रहे हैं हिमाचल के ट्रिप पर। और अभी तक हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा, तो अच्छे से ट्रिप को एंजॉय करेंगे। और ये है सोनू, सूरज और समीर। गाइज हमारा प्लान ना इंस्टेंट हो रहा है हिमाचल जाने का। और वैसे हम लोग कल जा रहे थे जयपुर फैमिली के साथ, बट फिर बाद में क्या हुआ कि फैमिली वालों, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रोने लग गए, तो पापा ने बोला नहीं भाई अभी कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल चमत्कार, बच्चों ने रात को अपना पूरा असली वाला रूप दिखा दिया रो रो के। तो पापा ने बोला नहीं अब कोई नहीं जाएगा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। तो हमने सोचा कि जयपुर जाने के बजाय क्यों ना ठंडे में ठंडे का मजा लिया जाए। तो हम जा रहे हैं हिमाचल, और वहाँ हम सोचेंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे। अभी कोई प्लान नहीं है, 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए हमने दबा के गाड़ी में सामान भर रखा है, जैकेटें हैं दबा के, और मम्मी ने सेब भी रख रखे हैं। हाँ मम्मी ने सेब भी रखे, वो भी गिन के 5 रखे हैं कि सब एक एक खा लेना, अपने अपने टाइम के हिसाब से खा लेना। हाँ तो गाई सबसे पहले गाड़ी में तेल वेल भराते हैं, हवा हवा भराते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी हम आ गए पेट्रोल पम्प। तो गाइज ये है सूरज की थार, और अभी हम भरवा रहे हैं इसमें पेट्रोल। वो पेट्रोल नहीं डीजल, ये वाली गाड़ी डीजल की है। भैया फुल कर देना। आज सोनू भाई हमारे फुल मूड में है, बहुत ज़्यादा टांग खींच रहा है मेरी, कहीं मुझे सांप बना रहा है, कहीं मुझे कुछ कह रहा है, कभी मुझे कह रहा है भैया इंडिकेटर नहीं दे रहे। अभी मैं इसका ऐसा बैंड बजाऊंगा कि इसको याद आ जाएगी सारी चीज़। इसे बोनट में बांध के ले जाएंगे, इसे अभी आगे थार में बांध देंगे, लेके जाऊंगा और फिर चिल्लाएगा उस टाइम पे। गाइस आज मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा है, और वैसे तो नॉर्मली छपवा रखा है और लिखा है, मतलब टेप से चिपका रखा है, और यही चीज़ मैंने अपने पीछे भी लगवा रखी है, अपने पीछे मतलब गाड़ी के पीछे। हम आ चुके हैं आजादपुर के आसपास, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक फंस रखे हम लोग दिल्ली में। तो रात ही हो रही थी, वो सामने कूड़े का पहाड़ है, सामने कूड़े का पहाड़ है। तो अभी हमने यहाँ से राइट जाना, मतलब यहाँ से हमने राइट जाना है, सीधा जाना है भाई, राइट वाइट नहीं जाना। ये मुझे पागल बनाया जा रहा है आज, पता नहीं क्या खा लिया इतने सुबह सुबह आज। सुबह अभी हम दिल्ली के बॉर्डर के बिल्कुल पास आने वाले हैं, और अब यहाँ रोड बहुत अच्छा बन गया है। हम यहाँ आए थे 2 साल पहले, हम इस रोड पे आए थे, तब हम पटियाला गए थे शादी में, है ना सुनील? हाँ मेरे भाई की शादी में, उस टाइम पे इस रोड पे कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा था, हाँ तब था लॉकडाउन। और तो इसीलिए अब हम, मतलब हम इस रोड पे 2 साल बाद आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है रोड, और बहुत अच्छा बन चुका है, मतलब लगा लो आप 80-90 की स्पीड में, और बिल्कुल मक्खन रोड है वो, देखो सामने कितने स्मूथ है रोड। तो इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा है ट्रिप में, और सभी लोग फुल एक्साइटेड है, गाने वाने चल रहे हैं, दबा के डांस हो रहा है गाड़ी में ही, फुल मस्ती चल रही है। सो गाइज अभी हम अपने घर से निकले थे 11 बजे, और अभी पूरा 1 बज चुका है, और अभी तक हम मूर्थल नहीं पहुँचे हैं, इतना तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गया, ट्रैफिक इतना है, और ऑफ रोडिंग भी हो गई है इस रोड पर, ट्रैफिक है, गड्ढे मड्ढे भी बहुत थे पीछे की साइड, तो पता नहीं कब जाके ट्रैफिक खुलेगा, कब हम लोग अच्छे हाईवे पे आएंगे। सो गाइस अभी हम लोग मूर्थल पहुंचने वाले हैं, और सब लोग बहुत थक गए, बहुत तगड़ा वाला ट्रैफिक हो रखा है। अभी एक छोटा सा स्पेस है, भैया खोल क्या तो अभी हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ये सब ले रहे हैं, और पानी लेवा नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी में पानी नहीं, और हम लोग निकल तो गए थे सुबह, बट हमने पानी वानी कुछ नहीं लिया, सिर्फ एप्पल लिया था, एप्पल अभी खाने का मन नहीं है, और बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रैफिक हो रहा है, बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा ट्रैफिक खुला है, देखो आप आगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा कुछ ले लें, सामने सूरज ले रहा है सामान। अच्छा ले भी आए भैया रेड बुल, मैंने नहीं रेड बुल नहीं, वो रेड कलर की कैन हो गई, रेड कलर की ले आना, क्या है वो स्टिंग, स्टिंग टाइप की है, रेड कलर की है सामने, स्टिंग हटो रे, और नीचे देखें तो पेटी देखो जहां अमूल, हटो रे बाबा अमूल नहीं है ना, वो फ्रिज में उसके रेड कलर की कैन रखी होगी, वो ले आना बस, रेड बुल ले आओ, रेड बुल भाई लौंडे ने, भाई लौंडे ने यहाँ से सीधा फ्रिज के अंदर झांक लिया, रेड कलर की केन है वही वाली लगा, सही में मेरे से ध्यान ही नहीं। सो गाइस अभी तक हम लोग सब उतरे थे यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी लेने के लिए, और अब मैं बैठ गया हूँ पीछे, आजा सोनू
ये नहीं नहीं ये बहुत देर से बहुत बकवास कर रहा था, आप करेगा बकवास मेरे बगल में, इसका मुंह ऐसा बंद करूंगा रुमाल ठूस के। भाई मैंने ये हटा दी, ये हटा देना, तुम्हें नीचे रख दो ना, हाँ ऐसे यहाँ रख दो बस। अब हम शिफ्ट हो गए आगे पीछे, थोड़ा थक भी गया था मैं गाड़ी चलाने में क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा था, तो इसीलिए अब हम ये देखो हमारे सूरज हमारे जमाई जी फुल ब्लॉगिंग में लगे हुए अपना कंटिन्यू, हमारे दोनों के ब्लॉग आपस में क्रॉस हो रहे हैं। हाँ जी तो भाई जब हम चल रहे हैं, चलो 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 ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ, लंबे बाल वाला ड्राइवर है हमारा अपनी गाड़ी। सो गाइज अभी हम रुके हैं मूर्थल पे, और कितनी मस्त जगह पे रुके ना, ये देखो आप दो दो एरोप्लेन है यहाँ पे, इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लेवरफुल उड़ान। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ जाते हैं थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, टाइम बच गया है डेढ़, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और ये देखो यहाँ पे इन सब लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा है, भाई मेरी भी कोई एक आध फोटो खींच दो। सो गाइस वो देखो आप दोनों भाई हमारी थार की वीडियो बना रहे हैं, और उन्होंने पहले हमसे परमिशन ली, तो उन्होंने पहले हमसे परमिशन ली कि हम गाड़ी के साथ फ़ोटो वीडियो खींच लें। हमने कहा खींच लो भाई, आप ही की गाड़ी है कोई बात नहीं, बस अपने घर मत ले जाना, बस फोटो फाटो खींच के वापस ले आना। हवाई अड्डा मूर्थल, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, हवाई अड्डा मूर्थल, वो देखो सामने वहाँ पे लिखा है हवाई अड्डा मूर्थल। और ये देखो सूरज व्लॉगिंग कर रहा है हमारा, फुल कंटिन्यू बंदा व्लॉगिंग में लगा हुआ। तो सूरज कैसा लग रहा है आपको इस वाले ट्रिप में, व्लॉगिंग कैसी चल रही है? गाइस अभी क्या हुआ, सूरज ने यहाँ पे 5 मिनट तक पूरा पता नहीं क्या क्या व्लॉगिंग करी, जैसे फोन को घुमाया तो देखा तो फोन का कैमरा ऑन ही नहीं था, इतनी जबरदस्त हंसी आ गई इस टाइम पे, तगड़े वाली फुद्दू बन गए। और अब तो ये भी याद नहीं होगा क्या क्या शूट किया था, है ना, मुझे दोबारा शूट करना पड़ेगा। दोबारा कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही फोन है अपना ही हमें। तो अब चलते हैं ऊपर को। सो गाइस सबका फोटो शूट हो चुका है, और मैंने अभी मोहित का एक गॉगल ले लिया, सब ने एक दूसरे का गॉगल चेंज कर लिया, बट इन्हें ये नहीं पता कि मेरे वाले में मेरे नंबर्स लगे हुए हैं, थोड़ी देर में इनके सर में दर्द हो जाएगा और उसके बाद मेरा गॉगल मुझे वापस मिल जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम यहाँ कुछ ना तो खा रहे ना पी रहे, और बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम यूज़ किया, हम लोगों ने थोड़ा पानी बन लिया, थोड़ा बहुत कुछ ऐसी फ़ोटो वोटो खिंचाई, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास आगे निकलने का। और हाँ जी आ जाओ, हेलो हेलो, ये गाइस ये बच्चे हैं, ये हमारे ब्लॉग में आना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? चिराग। चिराग, तो गाइस ये है चिराग, और ये बहुत बहुत ही क्यूट बच्चा है। क्रिकेट, अच्छा आप क्रिकेट खेलते हो, अच्छा विराट कोहली के फैन हो, अरे वाह चलो थैंक यू। सो गाइस फर्स्ट टाइम ना मुझे किसी ने बोला कि आप ब्लॉगर हो, मुझे भी आपकी वीडियो में आना है, तो ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे क्योंकि झूठ बोल के क्या फ़ायदा, तो मैंने उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, और वो बच्चा चाहता था कि वो मेरे ब्लॉग में आए, तो इसीलिए मैंने उन्हें अपने ब्लॉग में लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। तो अब गाड़ी में बैठते हैं, आपको आपके सब्सक्राइबर मिले तो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइबर तो नहीं थे बट आज से मेरे सब्सक्राइबर हो गए, बट उन्होंने पहचान तो लिया था कि आप ब्लॉग करते हो। हाँ उन्होंने हमें मतलब उन्होंने कभी देखा होगा तो उन्होंने बोला कि आप ब्लॉग करते हो ना, तो मेरी भी आपके साथ एक वीडियो आ जाए, उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई फोटो खींची, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो कुछ लोग तो मुझे पहचानते हैं, वरना हमें तो सिर्फ 5-6 लोग पहचानते हैं। तो गाइस अब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, सोनू चल भाई और आगे चलते हैं। गाइस अभी हम करनाल पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद सबको भूख लग गई है, और हमारे सोनू भाई तो सिर्फ सड़क में थार ढूंढ रहा है जैसे कंपनी इसी की होगी, ठीक है? मेरी ज़्यादा बिकी दे रही है सोनू, क्या? वो ये है ना, एक दिन तो पक्का होगी। ओह हो, क्या थार या कंपनी? कंपनी थार की। हाँ हाँ उसका मैकेनिक जरूर बनेगा ये। तो पहले आता भी बोलता नहीं। हाँ तो अब हम पहले आता भी बोलता नहीं, गलती से हो गया। अरे तो वही थारा जो हस्बैंड वाइफ थे वो। अरे तो मैं क्या बोला था, भैया भाभी वाली है। यार बात को मेरी फीलिंग नहीं समझो, ये नो वाला भी रोके, लगा इसके साइड में, हां रोको इसको गाड़ी, ऐसे ऐसे चलाओ आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, उसकी फटी पड़ी हो, जबरदस्ती कर रहा है यार ये, देखो चलते इनोवा, ये इनोवा को जानते, रुक जा सीधा बोलो ना, नहीं बेटे अब तो तू फंस गया बेटे, तूने गलती कर दी इसने गाड़ी लगा के,
लगा 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 हल्की करो भाई, इसमें भी अंग्रेज है यार, इसमें भी अंग्रेज। मत ऐसे ऐसे कर, हाँ रोक रोक रोक, चलो 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 गाड़ी से उतरो। अरे मार इसके, मार 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 थोड़ा नीचे लगा दो गाड़ी हमारी हमारी थोड़ा नीचे लगा दो ना रोड पे। अरे उतारो साले को, ये भागेगा, गाड़ी सीधी करो ना भैया। समीर आजा, बार पुलिस के डरों की बात मत करो। वो गाड़ी आई नहीं, वो कहां गया बंदा, कहां गया वो है, वो सामने आगे तक तो लाओ यार, रोक रखी है ट्रक, गाड़ी तो मंगवाओ। अरे वो गाड़ी चल नहीं पा रही ये तो हवाई जहाज में। अरे अबे ऐसे ऐसे चला रहा लहरा की गाड़ी को, फिर ऊपर से बदमाशी और दिखा रहा है, लड़के बुला रहा हूँ, बुला ले लड़के भाई। आप फोन करो पुलिस को पहले, और ये आगे हो जाओ। अरे बहुत अच्छी किस्मत है, पता सारे भूत बना दूंगा। समझ गया भाई, प्यार से बात कर रहे हैं साले, तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, प्यार से बात कर रहे हो। मुद्दा ये था कि वो बंदे ने बहुत ज्यादा नशा करा हुआ, रफ चल रहा था बहुत, हम लोग उसको देख ही रहते कि उसने एक इको को पूरा ऐसा फाड़ा कि पता नहीं, मुझे लग रहा है वो गाड़ी के दो टुकड़े कर दिए इसने, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। और जो उनके साथ की गाड़ी थी उन लोगों ने उसको रोक लिया, और अभी यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और शायद उनकी हेल्प के लिए भी आएंगे, एम्बुलेंस भी आएगी, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा तो कुछ ऐसा मैटर है नहीं, तो हम लोग वहाँ पे आए थे, तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे। और बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, मैं तो सबसे यही कहूँगा ऐसे नशे में गाड़ी कभी मत चलाओ यार, ऐसे आप अपने साथ तो दूसरों को भी परेशान करते हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं अपने ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं गाइस। अभी हम आ चुके हैं राजपुरा और 4:30-5:15 हो गए हैं, जो अभी तक हमने खाना नहीं खाया। भाई गाड़ी बंद कर देना, अभी तक हमने खाना नहीं खाया तो भूख लग रही है। अभी हम आए हैं चंडीगढ़िया दा ढाबा और यहाँ पे खाना पीना खाते हैं कुछ। यार मुझे ना सूरज को देख के बहुत हंसी आ रही है, सूरज ने भाई रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं व्लॉगिंग के सारे के सारे। तारीफ कर रहे हैं सामने कर दो। सो गाइस अभी आपने जो देखा था वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बहुत बुरा हुआ वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी को ना जैसे ये वाली गाड़ी है एक साइड से पूरा का पूरा फाड़ दिया ट्रक वाले ने उसको, और हमने उसे लाइव देखा। उस टाइम पे मेरा कैमरा बंद था तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस टाइम पे कैमरा बंद था, तो क्या बोलते हैं, बट उनके साथ जो एक टीम और चल रही थी उसने उसे बहुत थप्पड़ मारा यार, सच में बहुत बुरा हुआ वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, उसमें ना फॉरनर लोग थे, किसी और कंट्री से लोग आपके देश में घूमने के लिए आए हैं और आप वहाँ पे मतलब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो वो मुझे बहुत चीज़ बुरी लगी। तब उस बंदे को सबने थप्पड़ मारा भी बहुत उसे, और वो फुल दारू के नशे में था और उसे यही नहीं पता कि मैंने गाड़ी ठोक भी दी है। वो कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं हुआ, बट उसने दूसरे की गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। सबसे बड़ी बात है वो एक्सीडेंट करने के बाद ना वहाँ से भाग रहा था, वो चीज़ गलत है। आपका आपसे गलती हो गई आप माफ़ी मांग लो, लेकिन नहीं, वो बंदा वहाँ से इतनी स्पीड से भागा तो सभी गाड़ी वालों ने उसको वहाँ पे घेर लिया, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया, तो बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। तो अब अंदर चलते हैं और उसके बाद खाना वाना खाते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये हमारा खाना भी आ चुका है, बड़ी फास्ट सर्विस है भाई की। और हमने यहाँ पर मंगाया है सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो पंजाब का स्पेशल है। मक्की की रोटी हमारे खानी है तो पहले बता दो भैया को। गाइज वो देखिए कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है वहाँ पे, और ये जा रही है ट्रेन, और ये देखो कितना खूबसूरत सजा रखा है, और हमने यहाँ पे खाना।